हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा स्पेशली व्रत या उपवास में खाया जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आज मैं सिखाने वाली हूं इसको कैसे बनाया जाता है कम तेल में। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाना, ये बारीक वाला साबूदाना है। आप चाहो तो मोटा साबूदाना भी ले सकते हैं। इसको मैंने 2 कटोरी लिया है और ये भुनी हुई मूंगफली है आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा, और ये आधा कटोरी किसा हुआ नारियल है। ये उबले हुए 6 छोटे आलू है तेल तलने के लिए, ये 1 स्पून जीरा है, ये धनिया पत्ती, 1 नींबू, हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर है, सेंधा नमक है और 1 स्ट्रिप करिया पत्ती है। ये सारी चीज़ें हैं साबूदाना वड़ा बनाने के लिए। और ये है चटनी बनाने के लिए। इसके साथ मैं चटनी सर्व करती हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये उसके लिए मैंने लिए है 3 हरी मिर्च ली है, उसके बाद ये खिसा हुआ नारियल है और ये मूँगफली, और मैं इसे तड़का लगाऊंगी जीरा और सूखी मिर्च से। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब मैं सबसे पहले फल्ली का छिलका उतार के उसका पाउडर बना ले रही हूँ। मैंने इसका पाउडर बना लिया। अब मैं बनाऊँगी चटनी। चटनी बनाने के लिए पहले मैंने आधी कटोरी मूंगफली, हरी मिर्च और खिसा हुआ नारियल, इनको डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें उसके पहले मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है। सेंधा नमक डाल के अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके मैं इसको साइड में रखती हूँ। अब मैं साबूदाना भिगा रही हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ है। मैंने 2 कटोरी साबूदाना ली है, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया है, वॉश करके पूरा पानी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसको भिगाने के लिए 1 कटोरी पानी ले रही हूँ। पानी लेके पहले मैं आधा कटोरी डाल रही हूँ। आधा कटोरी डाल के मैं चेक कर रही हूँ पानी सफिशिएंट है या नहीं। अब मैंने आधा कटोरी पानी डाला है, मैं देख रही हूँ ये पानी थोड़ा सा कम है। अब मैंने बाकी पानी भी डाल दिया है। पानी डाल के मैं इसको चेक कर रही हूँ। इसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये साबूदाना के बराबर लेवल में है। हम साबूदाना जब भिगाएंगे हमारा ये जो तरीका है ये परफेक्ट है। अब हमारा पानी इतना ही रहना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने उसको 2 घंटे भीगने रख दिया। 2 घंटे बाद देख सकते हैं मेरा साबूदाना परफेक्टली रेडी है। साबूदाना में ज़्यादा पानी अगर डालेंगे वड़े तो बनेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा तेल सोखेंगे या तेल में डालते साथ फूट जाएंगे। अब मैंने साबूदाने को ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल में निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं आलू को खींच के डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसको मैश करके भी डाल सकते हैं, बट मैश करने की कंपेरिजन में खींचने से ये इवनली सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब मैंने इसमें डाला खिसा हुआ नारियल, फिर उसके बाद मैं डाली हरी मिर्ची, करिया पत्ती, धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा 1 स्पून जीरा है ये। जीरा डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। ये व्रत का है इसलिए मैंने सेंधा नमक डाला। आप नॉर्मली कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसमें 1 नींबू निचोड़ा है। नींबू निचोड़ते समय इसमें गलती से 1 सीड गिर गया था, इसलिए मैं उसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये मुँह में आएगा तो कड़वा लगेगा। अब मैं इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ, बट स्पून से ये अच्छे से इवनली मिक्स नहीं होगा, इसलिए मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हाथ से हमको जैसे आटा गूंथते उस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मेरा आटा एकदम परफेक्ट है, ना ही ये लूज़ है और ना ही हार्ड है। अब ये परफेक्टली रेडी है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी मूंगफली का पाउडर जो मैंने ग्राइंड करके रख दिया था। मूंगफली का पाउडर आप देख सकते हैं ये दरदरा नहीं है, मैंने इसको पाउडर जैसे फाइन बनाया है। ऐसे बनाने से जब हम लोग वड़े तलेंगे उस समय हमारे वड़े तेल में फूटेंगे नहीं, ये तेल में फूटेंगे नहीं, इसलिए ये कम तेल सोखेंगे। अब आप देख सकते हैं फली मिलाने के बाद मेरा बैटर एकदम रेडी है। अब मैं इसके गोले बना रही हूँ। गोले मैं नींबू के साइज़ के बनाऊँगी। गोले बना के मैं इनको साइड में रख दे रही हूँ। मैंने अपने सारे गोले बना लिए हैं, मैंने इनको साइड में रख दिए हैं। अब फ्राई करने से पहले मैं थोड़ा सा ऐसे प्रेस करूंगी। अब मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखा है, कढ़ाई डाल के मैंने तेल गरम होने रख दिया है। अब मेरा तेल गरम हो गया है, उसमें डालूंगी वड़े। इसके लिए डालते समय हमारा गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए, फिर उसके बाद मीडियम होना चाहिए। अब मैंने वड़े डालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा गैस का फ्लेम हाई है, जैसे ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे मैं इसको मीडियम करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे वड़े काफ़ी फूले फूले भी बने हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर है और क्रिस्पी क्रिस्पी भी रहेंगे। अब ये बन के रेडी है, मैं इसको निकाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी दोबारा। इस तरीके से बनाने से जिस तरीके से मैंने प्रोसीजर बताया, अगर आप वैसे बनाओगे तो तेल में डालते साथ आपके वड़े फटेंगे नहीं और काफ़ी अच्छे से बनेंगे, और ये नहीं फटेंगे इस वजह से आपका तेल कम सोखेगा। अब मेरा सेकंड बैच डाली हूँ, सेकंड बैच भी मेरा रेडी है, मैं इनको भी निकाल लूँगी। ये भी मेरा रेडी है। अब मैं थर्ड बैच डाली हूँ, अब थर्ड भी मेरा रेडी हो जाएगा। मैं पूरे बना के आपको दिखा दूँगी। अब मेरे ये भी बन के रेडी है।
साबूदाना बड़े किसी भी तरीके से बनाए, तेल तो लगता ही है क्योंकि ये डीप फ्राइड है, पर जिस तरीके से मैं बताई हूँ साबूदाना भिगाने का तरीका, उनको ग्राइंड करने का, आलू को खिसके डालने का, इस तरीके से हम बनाने से क्या इसका जो आटा है वो परफेक्टली बनेगा, वो तेल में डालने से फूटेगा नहीं, इस वजह से कम तेल सोखेगा, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। अब मेरे ये भी बड़े बन के रेडी है, मैं इनको निकाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं पूरे बड़े निकालने के बाद कि मेरे कढ़ाई में कितना तेल बचा है। ये मेरे पूरे बन के रेडी हैं, अब आप देखिए इतना तेल बच गया है। अब मैं इनको सर्व करूँगी मूँगफली की चटनी और दही के साथ। आप भी इसको बना के ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।